मित्रों, मैं आपका दोस्त सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश की एक आवाज़ किसान, किसान जो है इस टाइम परेशान है अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी बात को लेकर। वो गांव से, ढाणियों से जो है लोग उठकर आ रहे हैं। बात करें अपने इस इलाके की, हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में पिछली 4 तारीख से जो है ये आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने शुरू है। जैसा कि पता चला यहाँ किसानों से बात करके कि ये एकदम से नहीं आए, इन्होंने यहाँ आने से पहले जो है 2 वार्ता जो है पहले इन्होंने की है, जो कि बेनतीजा निकली हैं। इन 2 वार्ता में जो बात हुई है वो अपने इनसे पूछेंगे, पर बेनतीजा निकलने के बाद 4 तारीख को किसान जो है अपनी मांग को लेकर कलेक्टर के सामने आता है, बैठता है। और हनुमानगढ़ का ये इतिहास रहा है आज तक कि यहाँ जो भी लोग धरना करने के लिए आते हैं, अपनी बात रखने शांतिप्रिय तरीके से आते हैं, किसान संयुक्त मोर्चा जो है उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अनशन पर बैठेंगे। एक अहिंसा का रास्ता, किसान आक्रोशित है, दुखी है, मगर संवैधानिक तरीके से जो है वो अपनी अनशन का रास्ता निकाल रहा है, अनशन पर बैठा है, अनशन पर बैठे। आज उनको 3रा दिन हो चुका है दोस्तों। वार्ता के नाम पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी रात को अंधेरे के वक्त 2 या 3 आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, मगर नतीजा वहीं का वहीं, दूर नहीं होता। तो दोस्तों बात करते हैं अपने पास जो यहाँ बैठे हैं, BKU के अध्यक्ष श्री रेशम सिंह जी भी बैठे हैं। बात की शुरुआत उनसे करेंगे, उसके बाद राठौर जी भी हैं, उनसे बात करेंगे भी क्यों, क्या बात है। रेशम जी, समझ नहीं आती क्योंकि टाइम हो गया बहुत, क्या पूछें क्या ना पूछें। एक बात, आप लोग अपने मसले को लेकर बैठे हैं, गेट से इस तरफ, इस गेट से इस तरफ बैठे हैं, गेट से उस तरफ जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप लोगों की सोच क्या है, उधर की सोच क्या है, वो जाने आप। मैं सिर्फ अपने ऑडियंस को ये पूछना चाहता हूँ उनकी तरफ से कि आप क्या सोच के यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी भूख हड़ताल से, आपके भूखे रहने से किसी को फ़र्क पड़ेगा। साथियों नमस्कार। ऐसा है, अगर भूख हड़ताल की बात करें तो हम लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल पर अपनी मांग को मनवाने के लिए बैठे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो धान की खरीद, और जिस SHO ने बिना किसी वजह से हमारे किसान साथियों पर लाठियां बरसाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। बात अगर इस गेट के, जो सामने गेट है, इस गेट के पार जो अधिकारी बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है कि उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे साथ वार्ताएं भी हुई, और वार्ता में सबसे जो एक माने कि बहुत बुरी तरह की इनकी जो हरकत रही है वो ये रही है कि पिछले शनिवार को इन्होंने हमें कहा कि आज ही आपका धान है जो खरीद हम शुरू कर देंगे, और बाकी कल संडे है, सोमवार से प्रॉपर तरीके से खरीद शुरू हो जाएगी। आप जो यहाँ के SHO हैं जिन्होंने लाठी चार्ज किया है, आप उनके बारे में बात मत करो। तो हमारे बुजुर्ग किसान गुरप्रविंदर सिंह जी मान थे, हमारे रामेश्वर जी जो हमारे किसान अगुआ नेता है हमारे इस आंदोलन के, वो थे, सौरभ जी राठौड़ थे, और साथी थे हमारे साथ 7-8 लोग हम किसान थे। तो हमारी वार्ता हुई बैठ के 1.5 घंटा, उसमें फैसला हुआ कि जो खरीद है आज शनिवार से शुरू की जाएगी। लेकिन उसी के 1/2 घंटा बाद तहसीलदार एक अधिकारी इनका ही आके हमें यहाँ कहता है कि अभी 7 दिन लगेंगे, उससे आगे कोई कहता है 10 दिन लगेंगे, और कलेक्टर साहब अपना बयान जो अखबार में स्टेटमेंट लगा है वो कह रहे हैं कि अगले महीने खरीद होगी। तो हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, प्रशासन कर क्या रहा है, क्यों नहीं हमें बिठा के बताया गया कि ये प्रोसीजर है, इतने दिन लगेंगे। आखिर एक SHO को बचाने के लिए इतने झूठ बोले गए तो बात बैठ के हो सकती है। दूसरी बात, अभी आज बोल रहे थे हाईटेक ज़माना है, आजकल ऑनलाइन टेंडर होते हैं, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, कागज़ नहीं उठाने हैं, ऑनलाइन टेंडर हो गए, उसमें 2-3 दिन का समय दिया जा सकता था और खरीद शुरू की जा सकती है। और अस्थायी व्यवस्था करने
भी की जा सकती है और पहले भी ऐसे काम जो किए गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे जो यहाँ कलेक्टर साहब है, चाहे एसपी मैडम की बात करें, चाहे एडीएम की बात करें, पता नहीं उनकी समझ में ये मुद्दा क्यों नहीं आ रहा। किसानों की मांग एमएसपी की है और मोदी जो प्रधानमंत्री जो कह रहा है उस बात को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो हम एमएसपी मांग रहे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा मांगने नहीं आए हैं, जो हमारा हक है हम उसी की बात कर रहे हैं। अनशन से किसी के भूखा रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है? देखो जी, अगर इनको ज्ञान होना चाहिए भी अंधाता ही भूखा बैठा है तो सारी दुनिया समझेगी भी क्यों बैठा है, ये तो बात पूछेगी प्रशासन को भी, ये क्यों बैठे हैं। इनको सोचना चाहिए, हमारी वार्ता 6-7 बार हुई है इनसे, वो विफल रही, उसी वजह से हमारे को कोई समाधान ना मिलने की वजह से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमने इनको कल सुझाव सारे दे दिए हैं कि नरेश गैरा को जिले से बाहर किया जाए, हमारा धान 18 तारीख से खरीद शुरू की जाए, अगर ये हमारी बातों पे नहीं आएंगे तो हम नहीं उठेंगे। बिल्कुल जी, अकेला किसान ही नहीं, जो भी व्यक्ति 3 वक्त का खाना खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है, वो सभी जो साथी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और जो हमारा आंदोलन है ये इसी प्रकार एक मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। और रही बात आप अभी पूछ रहे थे भूख हड़ताल की, वो हमारा जो ये देश है लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के तहत हमें यह अधिकार है कि हम अपनी मांग को किस प्रकार मजबूती से रख सकते हैं और अपनी मांगों को किस प्रकार हल करवा सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम महंगा सिंह टिब्बी से। नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल वार्ता का या अगले दौर का नहीं है। हमारी यहाँ एक मांग छोटी सी थी और अपन इसको मांग नहीं कहें तो, जैसा कि अभी साथियों ने बताया है और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमने कोई मांग नहीं मांगी, हमने तो ये कहा था कि आपके शब्द हैं कि है और इस जो सरकारी दाम है इसका हमें दिला लीजिए। उसी के लिए जब इन्होंने नहीं मानी और 4 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हम तमाम साथी किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहाँ अनशन पर बैठे हैं और अनशन जो है ये हमारा आखिरी हथियार। ऐसी तो धान लेके आए सीगे जी, तो ट्रैक्टर से मैं बैठा सीगा, उदू बाद दिमाग तो आई सी भी चलो लाठी चार्ज करता उन्होंने, मैं बैठे को खाई गए सोटियाँ इन्हों दियाँ, बस ए भी चलो साढ़ा झोना बिक जाए जी MSP से, क्योंकि काफ़ी फर्क है जी प्राइवेट से धान का। MSP ਤੇ ਵਿਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ 300-400 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ। ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਬਾਜਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2022 'ਚ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ 17 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 16, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਕੜੇ ਜੀ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਵਾਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਬ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆਪਕੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਅਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਤੋ ਵੈਸੇ ਤੋ 10 महीनों से किसान लड़ रहे हैं, ये 4 तारीख की जो घटना है लाठी चार्ज हुआ किसानों पर, तब लोग हम यहाँ 4 तारीख से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं। हाँ, लगातार कोई 1-2 दिन बीच में नहीं, और लगातार जनवादी महिला समिति इनके समर्थन में आ रही है और भी औरतें आ रही है गांव से। आप DAP की आ रही है जी, ये केंद्र सरकार की नीति है, उसके कारण ये रेट बनाना चाहते हैं। तो क्या लगता है इसमें भी कुछ काला बाजारी, कुछ गोरख धंधा होगा? बिल्कुल होगा जी, ये तो केंद्र सरकार मोदी सरकार की योजना है, ये वो तो जी समझी चाल है। ये जो किसान कौम है उसको बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं, ये बोलते हैं कि आप DAP की जगह अन्य उर्वरकों का उपयोग करें और उनकी कीमत लगभग अगर किसान उनका उपयोग करेगा तो अगर DAP 1200 रुपये में अपनी पूर्ति करती है तो उनकी उनका उपयोग करने पर उसका 5400 रुपया खर्च आएगा। जब उनका खर्च लगभग 5 गुना बढ़ेगा तो जो किसान की आमदनी है वो बिल्कुल कम होगी और जो उसकी लागत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे किसान एक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, जिसके बाद वो अपनी किसानी से दूर होगा और जो इनके कॉरपोरेट घराने हैं उनके वहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर होगा। मान साहब,
अवतार सिंह जी बराड, एक मेरा हो गया रेशम सिंह, सुरेंद्र जी शर्मा और सौरव राठौड़। चार अनशनकारी हैं सर। हाँ, चार अनशनकारी हैं, तीन अन्य है, असी हूँ गल रखन जाने हैं। तुसी सारे सहमत हैं इस गल ते? बात करने में क्या दिक्कत है? देखो बात की उतो समझौता लेके आने हैं और असी साड़ी कोशिश यही है भी समझौता जिहड़ा आपां नूं पसंद आ उही असी लैके आउणा है। फिर भी थोड़ी बहुत ही उन्नी इक्की हुंदी है, कई बार आपां नूं भी कुछ झुकना पैंदा, प्रशासन झुकदा है, तां जिहड़ा फैसला लैके आवांगे उह सारिआं नूं सिर मत्थे रखणा होगा। जां पहले कह दिओ सानूं वी बंदे बदलने चाहीदे आ, बंदे बदल दिओ। आपां नूं कुछ होर इहदे च पसंद है वी कोई होर जाणा चाहीदा है जां बंदा चेंज होणा चाहीदा? ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਣੀ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ 1 ਤਰੀਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ 25 ਤਰੀਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਚਲੋ 20 ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? बिल्कुल, कलेक्टर साहब और एसपी मैडम से अभी वार्ता है, तो 7 किसान हम उस वार्ता के लिए जा रहे हैं, उसमें से जो निकलेगा वो आकर बाहर हम बताएंगे। ठीक है।